नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आपका बाजार में आपका स्वागत है। आपकी तमाम क्वेरीज, मार्केट का पूरा एक्शन, डेरिवेटिव मार्केट से क्या क्यूज है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और साथ ही बात करेंगे कुछ नतीजों की। लेकिन आज इस हफ्ते की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग नोट पर हुई और एक अच्छी बढ़त के साथ मार्केट अभी भी कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी 8700 के ऊपर अभी भी कामकाज कर रहा है, 8707 के लेवल पर 69 पॉइंट्स की तेजी। आज इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज भी पॉजिटिव थे और साथ ही जीएसटी को लेकर जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी पॉजिटिव बने हुए हैं मार्केट्स में। अच्छी शुरुआत के बाद अभी इंडेक्स 8708 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है और आज आप ज्यादातर सेक्टर्स देखेंगे तो वो हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खरीदारी आज के सत्र में जिन सेगमेंट्स में दिखी है उनमें ऑटो, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल स्टॉक्स, यहाँ पर अच्छा रुझान बना हुआ है। लार्ज कैप आईटी में अच्छी खासी मजबूती आज के सत्र में देखी जा रही है और ऐसा ही नहीं कि आज दिग्गज परफॉर्म कर रहे हैं बल्कि छोटे मझोले शेयरों में भी जोरदार मूव आज के सत्र में देखा जा रहा है। निफ्टी के वो कुछ स्टॉक जो कि जोरदार तेजी लेकर कामकाज कर रहे हैं उनमें टीसीएस, हिंडालको, विप्रो, टाटा मोटर्स, एसएल टेक्नोलॉजी, टाटा स्टील शामिल हैं। साथ ही भारतीय इंफ्राटेल, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो में अच्छा रुझान है। ये आप देखिए ऑटो एंसिलरी शेयरों का रुझान, आज ही नहीं लगातार कई सत्रों से इन स्टॉक्स में हम खरीदारी देख रहे हैं। रिको ऑटो, राणे मद्रासे, जेएमटी ऑटो, लुमेक्स ऑटो स्ट्रॉन्ग मूवर्स हैं। 52 वीक हाइस पर जो स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर, जिसमें द्वारिकेश शुगर, ग्रासिम, जय बालाजी इंडस्ट्रीज, जमुना ऑटो, कंसाई नरोलैक है। आज के सेशन में और बहुत सारे ऐसे शेयर्स जो मजबूती दिखा रहे हैं वो है शुगर स्टॉक्स। अगर मवाना शुगर्स हटा दें तो ज्यादातर शुगर स्टॉक्स में जो रुझान है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है वो दिख रही है द्वारिकेश शुगर में। 12% का सर्ज लेकर यह स्टॉक 307 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है द्वारिकेश शुगर का। आईटी स्टॉक्स में अच्छी मजबूती आज कई दिनों के बाद दिखी है और छोटे हों या फिर लार्ज कैप आईटी हों परफॉर्म कर रहे हैं। टीसीएस, माइंडट्री, विप्रो, एचसीएल, इंफोसिस्टम्स, मास्टेक्स, अच्छा मूव इन स्टॉक्स में आज देखा जा रहा है और टेक महिंद्रा के आज अर्निंग्स भी आने हैं। सीमेंट में हल्की मजबूती है, बिरला कॉप, ओसीएल इंडिया, हिडलबर्ग सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके सीमेंट और सीमेंट के अलावा फाइनेंशियल स्टॉक्स हो, टेक्सटाइल स्टॉक्स हो या फिर लॉजिस्टिक स्टॉक्स ही क्यों ना हो, कैपिटल गुड शेयर्स ही क्यों ना हो, सभी में एक जोरदार मूव आज के सेशन में देखा जा रहा है। ये चुनिंदा केमिकल स्टॉक्स है जो कि ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बालाजी अमाइंस, दीपक नाइट्राइट, जयंत एग्रो, हिमाद्री केमिकल और थिरुमलाई केमिकल, अच्छा मूव लेकर ये सभी स्टॉक्स कामकाज कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल जब आपके सिलसिले को शुरू करेंगे और सबसे पहले आपको बता देते हैं तरीका शो में शामिल होने का। शेयर हमारा कीवर्ड है, शेयर आप लिखिए, अपना सवाल आप मेंशन कीजिए, उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर। फोन लाइन के जरिए भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800183545, दूसरा नंबर है 01204258237। व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज आप हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा आपकी स्क्रीन पर 7840024100। एब्सोल्युटली, चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपका बाजार की इस एडिशन की। दो खास मेहमान हमारे साथ इस शो में मौजूद रहेंगे, चंदन तापरिया हैं और साथ ही कुछ ही देर में हमारे साथ विकास सेठी भी मौजूद होंगे जो कि आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन शुरुआत चंदन आपके साथ करते हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। और आज का जो पहला सवाल है वो हमें SMS के जरिए आया है, वो ले लेते हैं। गया से अरविंद सिंह ने यह सवाल भेजा है, फार्मा स्पेस से मंगलम ड्रग्स पर ये जानना चाहते हैं। 200 शेयर्स हैं इनके पास, 187 के परचेजिंग प्राइस के साथ यहां पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। चंदन, क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको? 200 शेयर्स 187 के प्राइस पर, उसी के आसपास अभी ट्रेड भी कर रहा है, अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए यहाँ? जी नमस्कार। देखिए सबसे पहले फार्मा काउंटर्स की बात करें तो फार्मा काउंटर्स में काफी वोलेटाइल स्विंग देखे गए हैं और ऐसा ही इस काउंटर में देखने को मिला, बट जिस हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉटम बन रहे हैं, लगभग 3-4 महीने की वीकनेस के बाद स्टेबिलिटी आ रही है, लग रहा है कि यहाँ पे थोड़े से अपस्विंग देखे जा सकते हैं। इनफैक्ट यदि मैं इसके वीकली और मंथली चार्ट पर देखूँ तो एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को ये पार करके होल्ड करने को तैयार हो रहा है और उस कंडीशन में ये 200-205 तक के लेवल छू सकता है। तो यहाँ पे रखने की सलाह रहेगी, 200-205 तक के लेवल आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो रखने की सलाह है 200-205 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं और फार्मा स्टॉक्स में, स्पेशली छोटे फार्मा स्टॉक्स में हम लगातार एक अच्छा मूव देख भी रहे हैं। मंगलम ड्रग्स पर अपनी पोजीशन आप बनाए रखें। अगला SMS हमारे पास प्रशांत का मुंबई से क्वेरी है इनकी मान इंफ्रा पर, 600 शेयर्स हैं इनके पास मान इंफ्रा के और जो परचेजिंग प्राइस है वो है 44 रुपीज का, यानी इनके परचेजिंग प्राइस से थोड़ा नीचे ही ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। क्या सलाह होगी आपकी चंदन मान इंफ्रा पर? हालांकि स्टॉक में वॉल्यूम्स आमतौर पर बहुत ज्यादा नहीं होते हैं और हमने हाल ही की परफॉर्मेंस में देखा भी है कि इसने 46-47 तक के स्तर छुए जरूर थे और वापस उन स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखी है स्टॉक में। इन स्तरों से नीचे आने की संभावना है या फिर वापस रिकवरी दिखा सकता है? इनके परचेजिंग प्राइस पर ये एग्जैक्टली क्या करें अभी? सबसे इनको इस काउंटर से निकल जाना चाहिए क्योंकि पिछले साल भर से देखें तो एक ट्रेडिंग रेंज में काउंटर फंसा हुआ है, ऊपर में 48 से लेके 50 तक जाता है और वापस लुढ़क के लगभग 32-35 रुपए आ जाता है। और अभी रिसेंटली देखें इसने लगभग 48-47 हाफ के हाई बनाया और वापस नीचे की तरफ टर्न होने लग गया, तो एक रेंज बाउंड मूव इसका देखने को मिल रहा है और रिसेंटली अपर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज पे जाकर टर्न हुआ है। तो यहाँ पे निकलने की सलाह रहेगी, बेहतर रहेगा आप दूसरे बेहतर काउंटर्स में शिफ्ट हो जाएंगे। जी चलिए, यहाँ से स्विच करने की आपको सलाह दी गई है। अगला सवाल के लिए हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं, जयपुर से सीमा ने हमें कॉल किया है। नमस्कार सीमा जी।
नमस्ते मैडम जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास मैडम एक्शन कंस्ट्रक्शन है, 1000 शेयर। 10,000 शेयर्स हैं आपके पास? 1000। ठीक है, और आपने किस भाव पर लिया हुआ है? 47 पर। ट्रेडिंग का नजरिया तो आपका? और ऐड कर लूं क्या इनको अगर मेरे को प्रॉफिट हो तो? चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं चंदन। इन्होंने 47 और सवाल है। हाँ जी पूछिए। चलिए ठीक है, इनको इसी शेयर के बारे में राय दिलवा देते हैं। 47 के भाव पर चंदन इन्होंने खरीदारी की हुई है। 1000 शेयर्स हैं, एक्शन कंस्ट्रक्शन के फिलहाल प्रॉफिट्स में भी हैं, लेकिन जानना चाहती हैं क्या इन स्तरों पर ऑलरेडी इनको प्रॉफिट हो रहा है, कुछ और एडिशंस करें तो क्या सलाह अच्छी होगी? जी मेरे हिसाब से एक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी काफी बेहतरीन प्राइस परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रही है, और जिस हिसाब से एक पॉजिटिव ब्रेकआउट यहाँ पे बनने की कगार पे है, लग रहा है कि यहाँ पे इनको 15-20% तक के रिटर्न जरूर मिल सकते हैं। रिसेंटली देखें लगभग 42 के आसपास से बॉटम बना के एक अपस्विंग देखा था, और रिसेंट जो 49 का हर्डल था उसको लगातार पार कर रहा है। आज के दिन भी ये लगभग 4% के आसपास होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग भी कुछ सप्ताह पहले देखने को मिली थी, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव तथ्य उभर के सामने आ रहे हैं। मेरे हिसाब से इनको 58 से लेकर 60 रुपये तक के लेवल जरूर मिल सकते हैं। जरूर यहाँ पे 3 से 4 सप्ताह का टाइम मिल सकता है, बट ऊपर के लेवल इनको मिल सकते हैं। तो ऊपर के लेवल्स मिल सकते हैं, 50 के टारगेट्स के साथ पोजीशंस अपनी होल्ड रखें आप। अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है इंदु कोलकाता से। इंदु नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। चलिए इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, इनकी क्वेरी ले लेते हैं। सवाल है इनका स्कॉट्स पर, 100 शेयर्स इनके पास और जो परचेजिंग प्राइस है इनका स्कॉट्स में वो है 140 का। लकी इन्वेस्टर हैं, अच्छे प्रॉफिट्स पर ये बैठी हैं, और हमने देखा भी कि कंसिस्टेंट रनअप स्कॉट्स में लगातार आया भी है, और इसमें अच्छे नतीजों का भी ट्रिगर रहा है और अच्छी सेल्स फिगर्स का भी। चंदन क्या करना चाहिए, इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है, 140 का शेयर अब 263 का हो चुका है, ये मुनाफा लेकर बाहर आ जाएं या फिर जो मजबूती दिखाई है स्टॉक ने वो भी बरकरार रह सकती है? जी हाँ देखिए, इन्होंने काफी अच्छे लेवल पे बाय किया हुआ है, और स्टॉक अब एक मोमेंटम के साथ नई ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। देखें आज से लगभग 5-7 साल पहले भी 274-275 के आसपास गया, और वहाँ से लुढ़क गया, और उसी लेवल के आसपास वापस आ रहा है, और 274-275 यदि निकल जाता है तो मेरे हिसाब से नई रैली स्टार्ट हो जाएगी। तो सलाह यही रहेगी कि स्ट्रेंथ जरूर है, बट आप जो पोजिशन है थोड़ी सी बुक कर ले, बाकी की पोजिशन को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रखिए। जब तक 245 का लेवल होल्ड है और 274 निकल पाता है तो फिर 320 तक का लेवल भी यहाँ पे बन सकता है। तो सलाह यही रहेगी कि पार्सली बुक करके बाकी पोजिशन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। जी चलिए, यहाँ पर आपको सलाह भी दी जा चुकी है। इसी बीच अगर आप देखें, आयशा मोटर्स ने अपने जुलाई के सेल्स फिगर्स रिपोर्ट किए हैं, और रॉयल इनफील्ड की खास तौर पर अगर बिक्री देखेंगे तो वहां पर ईयर ऑन ईयर पे अगर देखा जाए तो 31% तक का इजाफा जरूर देखने को मिला है। 53,378 यूनिट्स तक की यहाँ पर जुलाई में सेल्स फिगर्स रही, और उसके बाद आप देखिए एकाएक स्पाइक भी अब देखने को मिल रहा है शेयर पर, अब करीब करीब 1% ऊपर अब शेयर कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। चंदन आपसे राय लेना चाहेंगे, आयशा मोटर्स पर क्या सलाह होगी आपको? यहाँ पे वन वे मूवमेंट देखने को मिल रहा है, 5-6 साल पहले देखें लो 200 रुपये के आसपास हुआ करता था, और लगभग 22,000 रुपये के आसपास है। लगातार एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रहा है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, और मेरा मानना है जिस हिसाब से अभी एक रिसेंट पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है लगभग 28,000 से 30,000 तक भी जा सकता है। हालांकि रिस्क रेशियो फेवर नहीं कर सकते हैं, बट ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है, और मानना है कि अभी भी यहाँ पे अप मूव बरकरार रहेंगे। बाजार यदि कंसोलिडेट भी होता है तब भी ऊपर का लेवल यहाँ पे बरकरार रहेगा, तो लगभग 20,000 के आसपास पोजिशनल स्टॉप लॉस है, 28,000 तक के टारगेट भी यहाँ पे एक्सटेंड हो सकते हैं। 28,000 के टारगेट की बात की है चंदन ने, और हाल ही में कई सारे ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई थी जिन्होंने पोस्ट अर्निंग्स 28,000 तक के टारगेट्स की बात की थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सीएलएस का यहाँ पर मानना था कि 28,000 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं, खरीदारी की सलाह थी। अगला एसएमएस ले लेते हैं, खेमचंद का एसएमएस है, और इन्होंने सवाल भेजा है पुणे से। सवाल है इनका होटल लीला पर, और निवेश किया हुआ इन्होंने स्टॉक में, 1000 क्वांटिटी है, परचेजिंग प्राइस है 20 रुपये का। नुकसान हो रहा है चंदन इनको, क्योंकि स्टॉक अभी 18.70 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए, इनके परचेजिंग प्राइस से तो अभी भी नीचे है, और एक ही स्टॉक ऐसा रहा है जो बहुत ही वॉलेटाइल रहा भी है परफॉर्मेंस वाइज, क्या करें? भी नुकसान की भरपाई होती हुई दिख रही है नियर टर्म में, या फिर कोई और स्ट्रैटेजी आप रिकमेंड करेंगे? हाँ मेरे हिसाब से उनको दूसरी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में कुछ ज़्यादा स्विंग नहीं आ रहे हैं। अब वॉलेटिलिटी होके और आप इस स्टॉक अपने आप को संभाल नहीं पाता, फिसल जाता है। अभी लगभग पिछले 10-12 सप्ताह से देखें तो लगभग 20 रुपये के लेवल को पार नहीं कर पा रहा है। अप्रैल मंथ में लगभग 1995 का हाई बना है, और उसके बाद लगभग 16-17 रुपये तक फिसल गया।
तो ऊपर के लेवल पे यहाँ पे सस्टेन सप्लाई आ रही है, उसकी वजह से निकाल नहीं पा रहा। 20 रुपए इसका मेजर हर्डल है, वो निकलेगा तभी जाके कोई शॉर्ट टर्म पॉजिटिव मूव होने के चांसेस रहेंगे। तो इनको सलाह यही रहेगी कि निकल जाइए। और दूसरा, काउंटर की वैल्यू कम है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी भी उछाल आ जाती है तो काउंटर में सेलिंग आ जाती है, क्योंकि ओवरऑल इसका ट्रेंड नेगेटिव है। लगभग 30 रुपए के आसपास काउंटर हुआ था और लगभग 18-18.5 के आसपास अभी चल रहा है। तो इनको यहाँ पे निकल के दूसरे होटल काउंटर में, लाइक इंडियन होटल और या इसमें शिफ्ट हो, तो भी बेहतर स्ट्रेटेजी बन सकती है। जी बिल्कुल, तो यहाँ से निकल जाएं और किसी और शेयर पर आप निवेश कर सकते हैं। इसी स्पेस के इंडियन होटल्स में भी आप निवेश कर सकते हैं, यही चंदन का मानना है। अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हिमाचल से मनदीप ने हमें कॉल किया। नमस्कार मनदीप जी। नमस्ते मैम जी, पूछिए। मैम मेरे पास ICICI बैंक के 1000 शेयर है 250 के प्राइस जी, और आपका नजरिया क्या है मनदीप? 2 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। 2 महीने का आपका नजरिया है, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। चंदन, रिजल्ट्स काफी इनकरेजिंग नहीं रहे हैं, देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनपीएस भी राइज होते हुए नजर आ रहे हैं, और जो प्रोविजंस में बढ़त रही है उससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स में एक बिकवाली जरूर देखने को मिली। 25% तक की गिरावट प्रॉफिट्स फ्रंट पर देखने को मिली ICICI बैंक की। 250 रुपए के भाव पर खरीदारी की हुई है, फिलहाल तो 257 पर चल रहा है और इनको प्रॉफिट हो रहा है। सलाह क्या देंगे आप अगले 2 महीने के लिए, इनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, ICICI बैंक ने पिछले 2-3 महीने से बॉटम बना के बाउंस बैक दिया, बट 274-275 के लेवल को नहीं निकाल पाया। और डेरिवेटिव्स स्पेस में देखें तो 270 की कॉल में सस्टेन राइटिंग थी और उसकी वजह से यहाँ पे ऊपर के मूवमेंट नहीं आए और काउंटर एक नेगेटिव अर्निंग सेंटीमेंट के बाद फिसल गया। यहाँ पे जो इसका वीकली सपोर्ट था 260-262 उसको तोड़ के उसके नीचे कामकाज कर रहा है, तो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस यहाँ पे मिल रहा है। बाजार एक दिन लेवल पर अटक जाता है तो सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर इन सेलेक्टिव काउंटर्स लाइक PNB ICICI बैंक में आएगी। तो 275-274 का जो मेजर हर्डल था उसको रेस्पेक्ट करते हुए ये काउंटर टूटा है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे बन रहा है, तो बेहतर ये रहेगा कि ये थोड़ा सा मुनाफा वसूल कीजिए यहाँ पे। वापस आपको यदि काउंटर 235-40 आता है तो वो एक बेस्ट रणनीति बनेगी। ओवरऑल काउंटर में ज्यादा कुछ बड़ी अपसाइड नहीं लग रही है। मेरा मानना है कि यदि प्राइवेट बैंक्स में देखें तो अभी भी यस बैंक और इंडसइंड बैंक ही परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, बट फिलहाल आप मुनाफे में है। यदि आप इसको 6 महीने से साल भर का टारगेट रखें तो जरूर मैं यहाँ पे 300-310 रुपए तक के टारगेट के लिए कमेंट कर सकता हूँ जी। अगले कॉलर प्रदीप हमारे साथ सिलीगुड़ी से, उनका सवाल ले लेते हैं। प्रदीप नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्ते मैडम, एक्चुअली मैं अभी IPO लिया था एडवांस एंजाइम का जी, IPO के रेट पे ही है मेरा वो, और मैं उसको क्या अभी रखूं या बेच दूं? और मैडम एक मुझे ऐसा शेयर चाहिए जो 2-3 महीना के अंदर जो है सो 20-30% मेरे को फायदा देते। ठीक है, पहले तो कंग्रेचुलेशंस आपको एडवांस एंजाइम में आपके IPO में आपने निवेश किया और आपको मुनाफा हो रहा है। अभी जो स्टॉक है ये लिस्टिंग के बाद 37% ऊपर है, भी 1228 के स्तर पर अच्छी लिस्टिंग हुई है। एडवांस एंजाइम में माफी चाहूंगी, मैं थोड़ी देर में आपको कमेंट दिलवाऊंगी जब फंडामेंटल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी मैं एक स्टॉक आपको बता देती हूँ चंदन के जरिए, जहां आप 2-3 महीने के लिहाज से एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चंदन आपकी पिक क्या रहेगी 2-3 मंथ पर्सपेक्टिव से, जहां से 20-30% तक रिटर्न ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, मेरे हिसाब से यहाँ पे फाइनेंस काउंटर भी परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, चाहे आप मनाफुरम फाइनेंस की बात करें, DHFL, LIC हाउसिंग, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, भारत फाइनेंस या फिर इक्विटास हुआ, तो मेरे हिसाब से ये फाइनेंशियल काउंटर परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आप मनाफुरम फाइनेंस में खरीदारी की मूड बना सकते हो। रिसेंटली स्टॉक में लगभग 80 का ब्रेकआउट दिया है और इसलिए ये 92 और 100 तक का टारगेट आने वाले 1 वीक और 2 वीक में छू सकता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी काउंटर चल चुका है, ट्रेंड पॉजिटिव है। मेरा मानना है कि यहाँ पे यदि आप एंट्री करते हो तो 2 महीने में लगभग 20% के रिटर्न जरूर मिल सकते हैं। और जहां तक आपने IPO काउंटर्स की बात की, रिसेंट लिस्टेड हुआ है इसलिए इसका प्राइस भी वैसे हम परिचित नहीं है, तो आई थिंक ओवरऑल इसका जो सेंटीमेंट है पॉजिटिव है, बट यदि आपने लिस्टिंग गेन के लिए यदि आपने लिया है तो यहां पर निकल जाइए, और यदि आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप इसमें बने रह सकते हो जी। चलिए अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। वडोदरा से अतुल पटेल ने सवाल पूछा है, इनफैक्ट फोन लाइन पर मौजूद भी हैं अतुल जी हमारे साथ। नमस्कार अतुल जी। नमस्कार जी, पूछिए। हां मेरे पास कॉल इंडिया है 346 के प्राइस है, तो इसमें अभी होल्ड कर सकता हूँ? आपने वैसे जब निवेश किया था तो कितनी अवधि का आपने नजरिया रखा था, कब तक के लिए होल्ड करना चाहते थे? 6 महीना हो गया है। 6 महीने आपने ऑलरेडी रोक लिया और यहाँ पर अभी आपको नुकसान भी हो रहा है। चंदन क्या सलाह देंगे आप इनको? 346 के भाव पर खरीदा था, नुकसान काफी हो रहा है, 328 के आसपास चल रहा है। हालांकि जब भी हमने देखा है कि बाय बाय की खबर आई या कोई भी खबर आई, थोड़ा बहुत उछाल जाता है, लेकिन फिर भी इनकरेजिंग रिजल्ट नहीं दे रहा है ये परफॉर्मेंस वाइज। कोल इंडिया पर इनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जी हाँ साक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी थोड़ी सी कोई पॉजिटिव ट्रिगर आती है तो उछाल आता है, और वापस वो उछाल है वो संभाल नहीं पाता और काउंटर नीचे की तरफ फिसल जाता है, और हर बार हमने यही नोटिस किया है।
330-340 का जोन ऐसा है जो लगभग हर बार आता है और वहां से वापस फिसल के नीचे की तरफ काउंटर चला जाता है। इनफैक्ट आप लगभग 5-7 महीने की बात करें या उससे पहले की बात करें तो इन्हीं लेवल पे आके ये हर्डल लेता है और वापस निकल जाता है। तो मेरे हिसाब से आपने जो लेवल लिया है वो एक रेजिस्टेंस लेवल था और वहां से काउंटर हर बार फिसल जाता है। तो यहाँ पे सलाह ये रहेगी कि यदि कोल इंडिया में आप यदि छोटी अवधि का व्यू है तो निकल जाइए। मेरा मानना है कि काउंटर नीचे में 315-312 तक आ सकता है, तो यहाँ पे निकल के दूसरे काउंटर में शिफ्ट करें तो बेहतर रहेगा। और दूसरा यदि आपको पोजिशनल व्यू भी लेना है तो मेरे हिसाब से 350 आते आते भी ये काउंटर में टाइम लग जाएगा, तो ज्यादा कोई आउट परफॉर्मेंस काउंटर में अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही। सलाह दी गई आपको कोल इंडिया पर और स्टॉक अभी भी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करा 327 के लेवल्स पर।